आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन YouTube प्रमोशनल वीडियोज में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट के साथ बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 11 फीचर्स के पांचवें फीचर्स के बारे में। इससे पिछली वीडियोज में मैंने चार फीचर्स की डिस्क्रिप्शन वीडियोज अपलोड कर रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि टैली में वर्क करने के लिए आपके पास जो 11 फीचर्स है वो आपको काफी यूजफुल होते हैं, और उसी 11 फीचर्स के जरिए आप टैली पे वर्क कर सकते हैं। बगैर जब तक आप उस 11 फीचर्स की जानकारी नहीं ले लेते हैं तो आपको टैली में वर्क करना काफी हार्ड लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पांचवा फीचर्स है टॉप 11 फीचर्स का, जो कि हमारा पावर ऑफ थ्री बटन। तो ये क्या है? टैली में एक न्यू ऑप्शन कहाँ से आया भाई? पावर ऑफ थ्री बटन, कंट्रोल आई, कंट्रोल एच और कंट्रोल बी। इस बटन का हम यूज कैसे करेंगे? इसके लिए हम आते हैं डायरेक्ट भाउचर पे, गेटवे ऑफ टैली में। हमने एक कंपनी ओपन कर रखी है कंप्यूटर प्लाजा, और हम यहाँ से आएंगे भाउचर पे। अगर जैसे ही हम कोई भी भाउचर ओपन करते हैं तो हमें ये तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि टैली का पावर ऑफ थ्री बटन कहा गया है इसे। फर्स्ट हमारा है कंट्रोल के साथ आई, सेकंड हमारा है कंट्रोल के साथ एच, और थर्ड हमारा है कंट्रोल के साथ एफ। तो इन तीनों बटन का हम यूज कैसे करेंगे? जैसे ही अगर हमें किसी भी वाउचर की ऑटोफिल जाननी है तो हम कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे और ऑटोफिल में आएंगे। ऑटोफिल में आके आप डायरेक्ट यहाँ से आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट की जो भी ऑटोफिल होगी वो आप सेट कर सकते हैं, ताकि आप जिस टाइम एंट्री कर सकें वहां पे आपको कोई डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने सेट पेमेंट पे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस पे स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक किया तो आपके पास आ गया टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आपने जीएसटी एप्लीकेबल किया तो आपका पेमेंट टाइप आ गया। पेमेंट टाइप आपका कौन सा है? एडवांस पेमेंट दे रहे हैं या रिसिप्ट लाइबिलिटीज दे रहे हैं या फिर रेगुलर पेमेंट है आपका या फिर कोई नहीं है? तो अगर आपका रेगुलर है तो आप रेगुलर सिलेक्ट करते हैं। रेगुलर सिलेक्ट करने का पीरियड फ्रॉम कि कौन कौन से महीने का पेमेंट कर रहे हैं। अगर मई महीने का कर रहे हैं तो 1 मई से 31 मई, अगर जून का करेंगे तो 1 जून से 31 जून, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रेसिपिएंट किया तो लाइबिलिटीज, तो इसमें भी जो डेट वगैरह होंगे वो आपको डालने होंगे। तो इसी तरह से आप अपनी कंपनी की जो ऑटो फिल है वो डायरेक्ट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप आएंगे पेमेंट वाउचर के ऑप्शंस पे तो आपको देखने को मिलेगा स्टेटरी पेमेंट फॉर जीएसटी। डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं कि आपके इस पेमेंट में जीएसटी इंक्लूड है, पेमेंट का टाइप जो है वो रिसिपिएंट लाइबिलिटीज है। उसके बाद आप फिर से आते हैं वाउचर पे और हम यहाँ से फिर से ऑटो फिल पे जाते हैं। तो और जिस तरह से हम किसी और वाउचर सेलेक्ट परचेज कर रहे हैं, परचेज पे हम आएंगे ऑटोफिल, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि परचेज में हमें कोई ऑटोफिल की जरूरत नहीं होती है। ऑटोफिल हम पेमेंट पे करते हैं। तो इसी तरह से हम ऑटोफिल ऑप्शन का यूज करके अपने जो भी डिटेल्स होंगे, अगर हम जीएसटी यहाँ पे डाल रहे हैं, अगर जीएसटी हमारा पेमेंट हमारा या नहीं है, इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा चेंज मोड। आप डायरेक्ट यहां से डबल एंट्री का जो मोड होता है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप जर्नल में एंट्री कर रहे हैं और आपको कॉन्फ़िगरेशन से F11 प्रेस करने होंगे और आप वहां से जाके जो मोड चेंज करेंगे उतना लॉन्ग टर्म, आप यहां डायरेक्ट शॉर्टकट पे आप किसी भी वाउचर में आइए और वहां से अपने वाउचर के मोड को चेंज कर सकते हैं। डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड, यूज फॉर कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक एलोकेशन, मतलब कि जो भी आपको यूज करना, अगर डबल एंट्री कर रहे हैं तो डबल एंट्री, सिंगल एंट्री कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री, इस तरह से आप डायरेक्ट कंपनी के सिस्टम पे ही अपने जो भी जहां पे आप वाउचर क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्ट आप वहीं से पूरी वाउचर की मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा आई का मोड डिटेल्स। अगर आपको कंपनी की कोई और डिटेल्स जाननी है तो आप यहां से
कंट्रोल के साथ आई प्रेस कीजिए और वाउचर पे आइए, और जो भी आपको एडिशनल डिटेल्स जाननी है वो आप यहाँ पे सर्च करें और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी किस तरह से आपने जर्नल, इफेक्टिव डेट वगैरह, वाउचर नरेशन, सप्लायर रेफरेंसेस डेट, वाउचर का जो नरेशन होगा कि कौन कौन से वाउचर है, आपने कौन कौन से नरेशन लिखे, तो जो वाउचर की नरेशन देखनी है वो यहाँ पे आप सर्च बार में डालें और आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने सीखा 3 पावरफुल बटन, जैसे कि टैली का हीरो हो गोटू को बोला गया है, उसी तरह टैली में 3 पावरफुल बटन है जिसका आप यूज डायरेक्ट फीचर वर्क करते टाइम ही कर सकते हैं। ऑटोफिल, चेंज मोड, मोड डिटेल्स यानी कि कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच और कंट्रोल आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए छोटे छोटे टॉपिक के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंप्लीट कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप आईपीटी एक्सेल स्कूल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल ऐप की डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में दी गई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वहां से आपको मिलता है टैली से लेके अकाउंट तक की बेसिक टू एडवांस कंप्लीट वीडियोज। साथ ही आपको मिलता है अपने मनपसंद कोर्स चॉइस करने का मौका, जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद कोर्स, जैसे कि कंप्लीट बीबीए, एक्सेल विथ माइक्रो प्रोग्रामिंग, टैबलू, पावर बीआई वगैरह। इन सब की कंप्लीट वीडियोज भी आपको वहां से मिलती है, तो आप हमारे आईपीटी एक्सेल स्कूल का लिंक डाउनलोड करें और वहां से आप परचेज कर सकते हैं अपने मनपसंद कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।